हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल इन जेजीडी एजुकेशन। फ्रेंड्स, आज हम आप लोगों के लिए नर्सिंग मिडवाइफरी से रिलेटेड कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर के आए हैं जो आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है। गाइस, इसमें हम कुछ आपको चार पांच मॉडल्स पेपर बताएंगे, मॉडल्स पेपर के कुछ क्वेश्चन बताएंगे और उसके आगे कुछ क्वेश्चन जो आपके नर्सिंग एग्जाम से रिलेटेड है, प्रिपरेशन में बहुत ही काम आने वाला है। तो आइए देखते हैं आज का क्वेश्चन। फर्स्ट, एक मरीज को 2 TS मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाना है, नर्स कितनी मात्रा मरीज को देगी? ऑप्शन ए 2 ml, ऑप्शन बी 5 ml, ऑप्शन सी 16 ml एंड ऑप्शन डी 30 ml। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर डी 30 ml। एक मरीज को 2 CS मिल्क ऑफ मैग्नीशिया दिया जाना है, नर्स 30 ml मात्रा मरीज को देगी। सो राइट आंसर ऑप्शन डी, लॉक करते हैं ऑप्शन डी को। नेक्स्ट, स्पर्म के निम्न भाग में रेपिरेटरी एंजाइम स्थित होते हैं, कौन से भाग में? ऑप्शन ए हेड, ऑप्शन बी नेक, ऑप्शन सी मिडिल पीस एंड लास्ट ऑप्शन डी एक्रोसोम। इस क्वेश्चन का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी मिडिल पीस। स्पर्म के मिडिल पीस भाग में रेस्पिरेटरी एंजाइम स्थित होते हैं। ओके, नेक्स्ट, फोस्फोसोडा एक कैथोडिक है, इसका प्रकार है? ऑप्शन ए शेलाइन, ऑप्शन बी इमोलिएंट, ऑप्शन नंबर सी स्टिम्यूलेंट एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी वर्क फॉर्मिंग। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर ए शेलाइन। फोस्फोसोडा एक कैथोडिक है, इसका प्रकार शेलाइन है, लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर ए को। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा सूचक ग्लास्को कोमा स्केल का हिस्सा नहीं है? ऑप्शन ए आंखों का खुलना, ऑप्शन बी पुतनी प्रतिक्रिया, ऑप्शन सी मौखिक प्रतिक्रिया। नेक्स्ट एंड लास्ट क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी गतिशीलता। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी पुतनी प्रतिक्रिया, लॉक किया जाए ऑप्शन नंबर बी को। पुतनी प्रतिक्रिया में से पुतनी प्रतिक्रिया सूचक ग्लास्को कोमा स्केल का हिस्सा नहीं है, राइट? सो राइट आंसर ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रानीखेत रोग निम्न पशुओं में पाया जाता है, ऑप्शन ए कैमल्स, ऑप्शन बी गोट्स, ऑप्शन सी हैम्स एंड ऑप्शन नंबर डी काउच। राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन सी हेन्स। रानीखेत रोग हेन्स पशुओं में पाया जाता है, यानी मुर्गियों में पाया जाता है। ओके, मुर्गियों में ये रोग पाया जाता है, रानीखेत। नेक्स्ट क्वेश्चन, डॉक्सोरूबिसिन औषधि देते समय निम्न सलाह दी जानी चाहिए। ऑप्शन ए इंक्रीज ओरल फ्लूइड, ऑप्शन बी अवॉइड एक्सरसाइज, ऑप्शन सी अवॉइड शॉर्ट इनटेक, लास्ट ऑप्शन नंबर डी रिपोर्ट डायस्फिया। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, रिपोर्ट डायस्फिया। डॉक्सोरूबिसिन औषधि देते समय रिपोर्ट डायस्फिया सलाह दी जानी चाहिए, राइट? नेक्स्ट, सिर की चोट का मरीज
अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद तीव्र ज्वर से ग्रसित हो जाता है। उसके मस्तिष्क के निम्न अंग को चोट पहुंची है। गैस करते हैं। पढ़ने के बाद ऑप्शन नंबर ए बेसल गोंगलिया, ऑप्शन बी थैलेमस, ऑप्शन सी हाइपोथैलेमस एंड ऑप्शन डी टेम्पोरल लोब। तो गेस करिए कौन सा आंसर सही होगा। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है, हाइपोथैलेमस। सिर की चोट का मरीज अस्पताल में भर्ती होने के तुरंत बाद तीव्र ज्वर से ग्रसित हो जाता है। ओके, उसके बाद मस्तिष्क के निम्न अंग को जोड़ जो पहुंचे वो हाइपोथैलेमस को। सो लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर डी सी, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, हाइपोथैलेमस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूरिनरी रिटेंशन कैथेटराइजेशन के बाद मरीज दर्द एवं असुविधा की शिकायत करता है, नर्स को करना चाहिए, मतलब क्या करना चाहिए। ऑप्शन ए रिपोर्ट टू फिजिशियन, ऑप्शन बी मिल्किंग ऑफ ट्यूब, ऑप्शन सी चेक द पेशेंट्स ऑफ कैथेटर, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी इरिगेशन ऑफ कैथेटर। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी मिल्किंग ऑफ ट्यूब। ये क्या हो रहा है कैमरा को। यूरिनरी रिटेंशन कैथेटराइजेशन के बाद मरीज दर्द एवं असुविधा की शिकायत करता है तो उस टाइम मिल्किंग ऑफ ट्यूब उपचार करना चाहिए, वो किसको, तो नर्स को। नेक्स्ट, रियूमोटाइड आर्थराइटिस के मरीज हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली औषधि है। ऑप्शन ए शैग्नक्स 0.5 mg, ऑप्शन बी एस्पायरिन 6 gm, ऑप्शन सी कोडाइन 30 mg, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी मेडिराइडिन 30 mg। कमेंट करिए इसका राइट आंसर कौन सा होगा। कमेंट कीजिए, हम वेट कर रहे हैं इस क्वेश्चन का आंसर आप लोगों के लिए लिख करके। ओके, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, एस्पायरिन। रियूमेटोइड आर्थराइटिस के मरीज हेतु सर्वाधिक प्रभावशाली औषधि है वो है एस्पायरिन 6 ग्राम। ओके, ऑर्गेनिक मेंटल डिसऑर्डर्स से ग्रसित व्यक्तियों के उपचार का आधुनिक तरीका है। ऑप्शन ए ऑक्यूपेशनल थेरेपी, ऑप्शन बी मेडिकेशंस, ऑप्शन सी रिक्रिएशनल थेरेपी, नेक्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन नंबर डी कीप देम इन कम्युनिटी। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी कीप देम इन कम्युनिटी। नेक्स्ट, प्रोस्टेट कैंसर की जांच में सहायक है। ऑप्शन ए ब्लड क्रिएटिनिन लेवल, ऑप्शन बी ब्लड यूरिया नाइट्रोजन, ऑप्शन सी नॉन प्रोटीन नाइट्रोजन, ऑप्शन नंबर डी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन यानी PCA। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर डी प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। प्रोस्टेट यहाँ भी है और प्रोस्टेट यहाँ भी है, सो इसे पहचानना बहुत आसान है। पेपर में भी ऐसे आए तो, यदि ना आए तो अंदाज से ऐसे लगा दीजिएगा, और आए तो बहुत अच्छी बात है। प्रोस्टेट कैंसर की जांच में सहायक है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। और इसमें एक क्वेश्चन ये बनता है कि PSA, यहाँ पे है PSA का फुल फॉर्म,
तो टीएसए का फुल फॉर्म ही इसी में हो जाएगा, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन। यदि पूछा टीएसए का फुल फॉर्म क्या होगा, तो आपको याद रखना है प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन, भूलना नहीं है, बिल्कुल भी सिंपल है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन पीसीए का फुल फॉर्म है। नेक्स्ट, किसी भी मरीज की रेस्ट ट्रेनिंग बांधते समय निम्न का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन ए साइड रेल्स, ऑप्शन बी मैट्रेस हुक, ऑप्शन सी फुट बोर्ड, ऑप्शन नंबर डी डेट फ्रेम। राइट आंसर विल बी हैपेन टू ऑप्शन नंबर बी मैट्रेस हुक। किसी भी मरीज की रेस्ट ट्रेनिंग समय मैट्रेस हुक का प्रयोग किया जाता है, सो लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर बी मैट्रेस हुक। किसी भी मरीज की रेस्ट ट्रेनिंग मतलब बांधते समय प्रयोग किया जाता है, वो है मैट्रेस हुक। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन ओस्टियोकॉन्ड्रोमा संबंधित है, ये है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। ओस्टियोकॉन्ड्रोमा संबंधित है किससे? ऑप्शन ए मसल्स, ऑप्शन सी बोनस मतलब बोन्स हड्डी, ऑप्शन सी हार्ट, ऑप्शन डी लंग्स फेफड़ा। तो बताना है कि ऑस्टियोकॉन्ड्रोमा किससे संबंधित है, तो ये है आपके हार्ट से, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर हार्ट। ओस्टियोकॉन्ड्रोमा हार्ट से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक मरीज को 15 ml औषधि दी जानी है, उसे कितना TSH देना है? ऑप्शन ए 2 TSH, ऑप्शन बी 6 TSH, ऑप्शन सी 3 TSH एंड ऑप्शन डी 4 TSH। राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है 3 TSH। एक मरीज को 15 ml यानी हॉफ क्रॉप नेम सॉल्ट नेम ml औषधि दी जानी है, तो उसे 3 TSH देना है, सो लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को 3 TSH। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न परिजीवी से एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है। ऑप्शन ए पेन वॉर्म, ऑप्शन बी हुक वॉर्म, ऑप्शन सी एस्केरिस एंड ऑप्शन डी नॉन। तो कौन से परिजीवी में एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है? तो परिजीवी है ऑप्शन बी आपका हुक वॉर्म। अब इसका आंसर बनेगा हुकवर्म परिजीवी से एनीमिया की स्थिति उत्पन्न होती है, सो लॉक करते हैं ऑप्शन नंबर बी को हुकवर्म। नेक्स्ट, नियोस्टिग्मिन औषधि निम्न बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त तो होती है। ऑप्शन ए कोरिया, ऑप्शन बी पार्किंसन डाइशेश, ऑप्शन सी म्यास्थेनिया ग्रेविस, ऑप्शन डी मैगी गिटिश। ऑप्शन सी इसका सही आंसर है म्यास्थेनिया ग्रेविस। नियोस्टिग्माइन औषधि म्यास्थेनिया ग्रेविस बीमारी के उपचार हेतु प्रयुक्त है। नियोस्टिग्माइन बीमारी के उपचार हेतु म्यास्थेनिया ग्रेविस है। ओके, नेक्स्ट, इंसुलिन को ओरल रोट से क्यों नहीं दिया जाता है? क्यों? क्योंकि ऑप्शन ए इट इज नॉट एब्सॉर्बेड, ऑप्शन बी इट गेट डिस्ट्रॉयड इन GIT, ऑप्शन सी इट कॉज पेप्टिक अल्सर, ऑप्शन डी ऑल अबव। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी इट गेट डिस्ट्रॉयड इन GIT। इंसुलिन को ओरल राउट से क्यों नहीं देना चाहिए? तो वो है ऑप्शन डी को लॉक करते हैं इट गेट डिस्ट्रॉयड इन GIT। नेक्स्ट,
कैंसर की उपचार हेतु ड्रग ऑफ चॉइस निम्न है, निम्न मतलब ऑप्शन में चार है, तो ये निम्न में से कौन सा होगा? ऑप्शन ए वाइनब्लास्टिन, ऑप्शन बी मेथोट्रेक्सेट, ऑप्शन सी टैमोक्सिफेन सिट्रेट एंड ऑप्शन डी सिस्प्लैटिन। राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है, टैमोक्सिफेन सिट्रेट। ब्रेस्ट कैंसर के उपचार हेतु टैमोक्सिफेन सिट्रेट ड्रग ऑफ च्वाइस है, निम है इसका, लॉक करते हैं ऑप्शन सी को। इनहेलेशन एनेस्थेटिक का उदाहरण है, ऑप्शन ए आइसोफ्लोरिन, ऑप्शन बी मेथोक्सीफ्लोरिन, ऑप्शन सी नाइट्रोस ऑक्साइड, ऑप्शन डी ऑल ऑफ अबव। तो नाइट्रस ऑक्साइड तो नहीं होगा, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ऑल अबव, क्योंकि एक नहीं हो सकता, जब भी होगा तीनों होगा, ऑल अबव उपर्युक्त सभी ऑप्शन सही हैं। इसका ज्यादा मान्य होता है, लेकिन यहाँ पर इनहेलेशन एनेस्थेटिक का उदाहरण पूछा है, तो इसमें ये तीनों है, सो राइट आंसर इज द ऑप्शन नंबर डी, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट, नवजात में पल्स चेक करने की उपयुक्त जगह है, ऑप्शन ए एपिकल, ऑप्शन बी पेडल, ऑप्शन सी फेमोरल एंड ऑप्शन डी कैरोटिड। तो बता चुके हैं आपको, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, फेमोरल। नवजात में पल्स चेक करने की उपयुक्त जगह फेमोरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न विकल्प कैरेब्रेल लोब का हिस्सा नहीं है, ऑप्शन ए स्पेनोइडल लोब, ऑप्शन बी ओसिपिटल लोब, ऑप्शन सी पैरिएटल लोब, ऑप्शन डी फ्रंटल लोब। राइट आंसर विल बी हैपन टू ऑप्शन नंबर ए स्पेनोइडल लोब। स्पेनोइडल लोब सेरिब्रल लोब का हिस्सा नहीं है, सो राइट आंसर ऑप्शन ए, ये इसका हिस्सा नहीं है, सेरिब्रल लोब का स्पेनोइडल लोब हिस्सा नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि एफ तापमान को सेंटीग्रेड में बदलना हो तो सूत्र होगा, ये है आपका चार ऑप्शन, तो इसमें से आपका ऑप्शन डी सही हो जाएगा, बी और सी, ये बी और सी, ये दोनों जो ऑप्शन है ये तापमान को सेंटीग्रेड में बदलने का सूत्र है, ऑप्शन बी भी और सी भी, सो बोथ बी एंड सी, ध्यान से देखिएगा बी एंड सी, इसको याद रख लीजिएगा ये सूत्र और ये सूत्र। नेक्स्ट, निम्न विटामिन फैट सोल्यूबल नहीं है, कौन सा? ऑप्शन ए विटामिन ए, ऑप्शन बी विटामिन सी, ये सब तो है, आइए देखते हैं ऑप्शन सी, ऑप्शन सी विटामिन के एंड ऑप्शन डी विटामिन डी। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, विटामिन के, ये फैट सोल्यूबल नहीं है, सो विटामिन के इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि हृदय रक्त सप्लाई 6 मिनट से अधिक बाधित रहता है तो निम्न हो सकता है, क्या हो सकता है? ऑप्शन ए रिवर्सिबल MI, ऑप्शन डी कार्डियक अरेस्ट, ऑप्शन सी रिवर्सिबल MI, ऑप्शन डी कार्डियक ब्लॉक। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, इरिवर्सिबल MI, यदि हृदय रक्त सप्लाई 6 मिनट से अधिक बाधित रहता है तो इरिवर्सिबल MI हो सकता है। नेक्स्ट, क्रिएटिनिज्म किस ग्रंथि से संबंधित है? ऑप्शन ए थायराइड, ऑप्शन बी पैराथायराइड, ऑप्शन सी एड्रेनल एंड ऑप्शन डी पैनक्रियाज। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, थायराइड। क्रिएटिनिज थायराइड ग्रंथि से संबंधित है। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है, जो कि आपको पहले बता चुके हैं इसलिए ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, 30 से 40 मिनट। नवजात शिशुओं में श्वसन दर 30 से 40 मिनट होती है। HIV का कारण है, ये भी आपको पहले बता चुके हैं, इसका ऑप्शन होगा ऑप्शन बी वायरस। HIV का कारण वायरस होता है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, इनहेलेशन एनेस्थेटिक का उदाहरण है, ऑप्शन ए ISO फ्लोरेन, ऑप्शन बी मेथोक्सीफ्लोरेन, ऑप्शन सी नाइट्रोस ऑक्साइड एंड ऑप्शन डी ऑल अबव, उपर्युक्त सभी। तो ये हम अभी आपको बताए हैं, अभी आपको हम पढ़ाए हैं, थोड़ी देर पहले याद होगा, उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर है,
इनहेलेशन एनेस्थेटिक का उदाहरण है, उपर्युक्त सभी ये तीनों उसका उदाहरण है। नेक्स्ट, नवजात शिशुओं में श्वसन दर होती है, ये भी अभी जस्ट ऊपर आपको हम पढ़ा रहे हैं ये, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। 30 से 40 मिनट, नवजात शिशुओं में श्वसन दर 30 से 40 मिनट की होती है। दो क्वेश्चन आपको हम दोबारा से पढ़ाए हैं, रिवीजन कराने के लिए हम ये आपको छपवाए थे। ओके, तो गाइस आज के लिए इतना ही क्वेश्चन, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में न्यू क्वेश्चंस लेकर के। जाने से पहले एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन। थैंक यू, टेक केयर।